हमको लगता है मामा पागल हो गया है। अरे पागल तो पिताजी हुआ करते थे। फिलहाल तुम पागल लग रहे होंगे। क्या हुआ मामा, सब ठीक तो है ना? अरे ऐसे कैसे हंस रहे हो? अगर हमने जो सपना देखा है, अगर वो तुम लोग देख लेते तो तुम भी ऐसे ही हंसते। कैसा सपना? वैसा सपना। वैसा कैसा? कैसा हमने देखा। तुमने देखा कैसा? मत पूछो कैसा। नहीं नहीं हम तो पूछेंगे। अच्छा बताते हैं बताते हैं। बताओ बताओ भाई। हमने सपना देखा कि हम करोड़पति बन गए और तुम लोग हमारे नौकरों के नौकर हो और अमेरिका का राष्ट्रपति हमसे मिलने आया है इसलिए कि हम उसके साथ व्यापार करने के लिए हाँ कर दें। अरे मामा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, ऐसे बैठे बिठाए करोड़पति बनना किसी की किस्मत में नहीं होता हैंगे। अरे करोड़ों में कोई एक होता है जिसको बैठे बिठाए करोड़ों मिल जाए। आइए आइए साहब, जलेबी समोसा खिलाऊं या चाय पिलाऊं? अरे दूर से करो बात, पास ना हो हमारे सेठ तरबूज लाल करोड़पति स्वयं लापतागंज पधारे। अरे पधारते तो पिताजी थे, अब ये पधारे हैंगे। पपीता लाल गली गली मत घुमाओ, सीधा चौराहे पे आओ लक्ष्मी कृपा से। वैसे चौराहे पर तो पिताजी आते थे, वैसे यहाँ का चौराहा वहाँ है। अरे ये हमारे सेठ तरबूज लाल करोड़पति हैं। पपीता लाल पूरा नाम बोलना जरूरी है लक्ष्मी कृपा से। जी सेठ जी। देखिए हमारे सेठ जी के कहने का मतलब ये है कि यहाँ लापतागंज में कोई बिज्जी पांडे नाम का प्राणी रहता है। बिज्जी पांडे? हाँ, 10 दिन से रोज कर रहे हैं खोज। अरे चौरसिया, ये लोग बिज्जी पांडे को काहे ढूंढ रहे हैं? कहीं बिजी पांडे ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? अरे कांड तो पिताजी किया करते थे। वैसे पपीता लाल जी, आप बिजी पांडे को क्यों खोज रहे हैं? देखिए अगर आप उसको कोई इनाम देना चाहते हैं तो वो इस गांव में नहीं रहता है, और अगर आप इल्जाम लगा के उसे सजा देना चाहते हैं तो वो इसी गांव में रहता है। सेठ जी कन्फर्म हो गया, बिजी पांडे यही रहता है। पपीता लाल 1 से 10 तक की गिनती मत गिनो, सीधा 100 पर आओ लक्ष्मी कृपा से। ये बताइए कि भाई ये बिजी पांडे कहाँ हैं? आप लोग यहाँ आराम से बैठिए, हम अभी बिजी पांडे को बुलवाते हैं। एलिजा एलिजा तुम जल्दी से जाओ मुकुंदी बाबू को बुला के लाओ। लेकिन ये लोग तो बिजी पांडे से मिलने आए हैंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं मुकुंदी बाबू को जल्दी से बुला के लाओ, क्या पता क्या मामला हो। वाह सुतीलाल तुम तो समझदार हो गए हैंगे। एक मिनट अभी बुलाते हैंगे। आइए आइए साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। ये यहाँ बैठे? हाँ। हिंदुमती क्या गई मायके, उड़ गए जिंदगी के सारे जायके। जीजा जी जीजा जी जीजा जी। क्या हुआ है लीजा, ऐसे हड़बड़ाए घबराए क्या दिख रहे हो यार? किसी का पैजामा गलत सिल दिया है ब्लाउज? जीजा जी कोई आए हैंगे। अरे कहीं इंदुमती अपनी अम्मा के यहाँ से वापस तो नहीं आ गई? सच कहो है लीजा, हमारी इंदुमती वापस आ गई है ना? अरे नहीं जीजा जी, कोई करोड़पति सेठ आए हैंगे बिजी पांडे को ढूंढते हुए, सुतीलाल की दुकान पर हैंगे, जल्दी चलो। करोड़पति सेठ बिजी पांडे को ढूंढते हुए आए हैं? हे भगवान जल्दी चलो 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 चलो। अबे तो ये है वो लक्ष्मी जी के पास है। तो वो तुम हो जी? कौन वो? अरे जिस वो की हमें तलाश है जी। हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के वो हैं। पपीता लाल ये तो शादीशुदा है लक्ष्मी कृपा से। लक्ष्मी जी की नहीं, सासू जी की कृपा से। सासू? सेठ जी के निकल आएंगे आंसू। पपीता लाल अब हमारी बेटी मलाई माधुरी का क्या होगा? हाँ सेठ तरबूज लाल करोड़पति की बेटी का क्या होगा? पपीता लाल पूरा नाम लेने की क्या जरूरत है, लेकिन ये आदमी शादीशुदा
कैसे हो सकता है लक्ष्मी कृपा से? अरे शादीशुदा तो पिताजी थे। देखिए कृपा करके एक बात बताइए, हमारे शादीशुदा होने से आपको क्या परेशानी है? देखो बीजी पांडे। बीजी पांडे नहीं, मुकुंदी लाल नाम है हमारा। हा? तो बीजी पांडे कहाँ है? अरे हमको क्या पता। तो तुम्हें क्या पता है? यही कि हम बीजी पांडे नहीं मुकुंदी लाल है। पपीता लाल ये क्या है? ये मुकुंदी लाल गुप्ता है। लेकिन हम जिसको खोजने आए हैं वो कहाँ है लक्ष्मी कृपा से? सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, सेठ तरबूज लाल करोड़पति। पूरा नाम लेना जरूरी है क्या? एक बात बताइए, ये बीजी पांडे को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? देखिए हमने आस पास के 20-25 गांव में ये खोज करवाई। हाँ। कि सबसे महा आलसी, कामचोर, निकम्मा और बेरोजगार नौजवान कौन है? कौन हैंगे? बीजी पांडे। बीजी पांडे? हाँ, बीजी पांडे से बड़ा आलसी, कामचोर, निकम्मा, बेरोजगार नौजवान कोई नहीं, वो सब में नंबर एक है। हाँ। अच्छा तो आप इसी बात का प्रमाण पत्र देने आए हैं? नहीं सेठ जी, आप लोगों को निमंत्रण पत्र देने आए हैं, वो भी बीजी पांडे की शादी का। क्या? देखिए ऐसा है कि हमारी सेठ जी की बेटी मलाई माधुरी की शादी के लिए ऐसे वर की तलाश थी जो निकम्मा हो, कामचोर हो, आलसी हो, बेरोजगार हो, जिसकी ना हो कोई कमाई और जो बन जाए सेठ जी का घर जमाई। लक्ष्मी जी की कृपा से और हम बीजी पांडे को अपना दामाद बना के रहेंगे। हाँ सेठ जी, आप उसी से कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा बेरोजगार, आलसी और निकम्मा लड़का कोई नहीं है। लेकिन हमारा होने वाला दामाद बीजी पांडे है कहाँ? पापा कसम भोलेनाथ जी, आज हम केवल 4 पराठे विद देसी घी और कसम खा के निकले अपने घर से कि जब तक क्या आप हमारी शादी नहीं करा देंगे, हम ऐसे ही वन टांग के ऊपर पोजीशन लिए खड़े रहेंगे। भैया कौन है भाई? भैया अबे भैया अबे, अबे अबे क्या आप यहाँ एक टांग पर खड़े हैं और वहाँ आपको हमेशा के लिए टांगने की तैयारी हो रही है? अबे गुड्डू, पापा कसम यार एक बात बताओ, तुम बचपने में कटल का छिलका खाते थे क्या? जब देखो कटीली बात करते रहते हो यार। तो सही बात यह है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही है क्या? हाँ। रियली रियली पापा कसम, थैंक यू भोलेनाथ जी, हम आपके सामने एक टांग उठा के खड़े हुए तो आपने हमारी शादी तय करवा दी। कहीं हम अगर दोनों टांग उठा के खड़े होते तो पता नहीं क्या कराते आप। पता नहीं क्या करते, नहीं धम से जमीन पर गिर पड़ते आप। अबे यार गुड्डू, पापा कसम लव का पावर और इश्क का टावर और साथ में गॉड का गॉड ब्लेस यू में इतना पावर होता है कि हमारी शादी तय हो गई बे। अबे गुड्डू, हम तो सोच रहे हैं कि मौसी बाब, हमारे कहने का मतलब कि हमारी जो बुढ़वी सास हैं और हमारे जो मम्मिया फादर इन लॉ यानी कि मामा, उनसे जाके माफी मांग लेते हैं बे। अबे समझ नहीं, कोशिश करो गुड्डू, आखिरकार वो तैयार तो हुए शादी करवाने के लिए। अरे नहीं भैया आप समझ नहीं रहे, वो बात नहीं है। अबे तो फिर क्या बात है? कान लाइए इधर। कान काहे लाए, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं है। अरे लाइए, बहस मत कीजिए। काना पूसी करने की तुमको बहुत आदत है, सॉरी। नहीं भैया, बीजी का भैया। ए छोटू, सच कह रहे हो, बकलोली कर रहे हो? अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं दीदी, हमने बिजी की बुराई का बताशा उन लोगों के सामने जम जम के परोसा ताकि उन्हें आ जाए भरोसा कि बिजी ही सबसे बेकार और निठल्ला लड़का है। ए छोटू, तभी हम कहते हैं 100 गिदड़ मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होंगे। अरे दीदी तुम हमारी बुराई कर रही हो, प्रशंसा। हाँ प्रशंसा कर रहे हैं, 100 गिदड़ जैसे दिमाग है हमारे छोटू का। गिदड़ जैसा दिमाग तो पिताजी के पास था दीदी, बस अब वो लोग बीजी को ब्याह के ले जाएंगे, फिर प्रेम का लट्टू जाएगा फूट और बीजी से सुरीली का पीछा जाएगा छूट। वाह वाह छोटू। हाँ। वो बीजी शादी के लिए तैयार होगा? बीजी 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 पांडे, नहीं शादी हम नहीं करेंगे, नेवर। सोच लो, तुम तरबूज लाल करोड़पति के बेटी का रिश्ता ठुकरा रहे हो। पूरा नाम बोलने की क्या जरूरत पपीता लाल, लक्ष्मी की कृपा से। देखो बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे,
तुम राजा बन के राज करोगे अगर हमारी बेटी माधुरी के साथ शादी करते हो तो। क्या समझ लिया है हमको, उठाई गिरा के उठाया, अपनी बेटी शादी कराई और घर जमाई बना लिया। ऐसा एक रूप पतली गली से निकल लो, समझे, वरना भागड़ा नंगल डैम तोड़ डालेंगे, चाइना की दीवार फोड़ डालेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समझे। चल पे गुड्डू। चलिए भैया। सुन लिया आप लोगों ने, अब तुरंत यहाँ से प्रस्थान कीजिए और हमें भी प्रस्थान करने दीजिए, दफ्तर के लिए देर हो रही है। भाई हम तो प्रस्थान कर ही जाएंगे, लेकिन सोच लो इसमें नुकसान आप लोगों का ये है लक्ष्मी की कृपा से। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर बिज्जी पांडे सेठ जी का दामाद बन जाते हैं तो लापता गंज सेठ जी की बिटिया का ससुराल बन जाता है, तो ऐसे में सेठ जी लापता गंज का ऐसा विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे। अरे क्या बताए, कैसा विकास करेंगे। भाई देखिए देर अभी भी नहीं हुई है, अगर बीजी पांडे हमारी बेटी शादी करने को तैयार हो गया तो हम इस पूरे लापता गंज का नक्शा बदल देंगे लक्ष्मी की कृपा से। हाँ मतलब इस थिएटर की जगह मल्टीप्लेक्स बनवा देंगे और यहाँ शॉपिंग मॉल बनवा देंगे, स्कूल कॉलेज खुलवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से, और पानी की कोई समस्या नहीं, बड़ी बड़ी टैंकियां लगवा देंगे और ये सब कच्चे मकान पक्के बनवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से, और ये कच्ची सड़क बिल्कुल नहीं, एकदम पक्की चमचमाती बना देंगे, और आप सब गरीबों को अमीर बना देंगे, और तुम्हारी मिठाई की दुकान की जगह बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार खुलवा देंगे। सचमुच? सच। और तुम? हम टेलर हैंगे। उस दुकान की जगह बड़ा कपड़े का शोरूम खुलवा देंगे। और तुम? हम चौरासी, हमारी पान की दुकान है। दस तेरी के पान की दुकान की जगह बड़ा पान की फैक्ट्री खुलवा देंगे लक्ष्मी जी की कृपा से। अगर तुम लोग बीजी पांडे को शादी के लिए तैयार करवा लो तो ये सब कुछ हो सकता है। चलो पपीता लाल। देखिए भाई हम लोग चलते हैं, कल फिर आएंगे। अगर बिज्जी पांडे शादी के लिए राजी हो गए तो लापता गंज का विकास शुरू। और आप सब गरीबों को अमीर बना देंगे, और ये सब कच्चे मकान पक्के बनवा देंगे, बड़ा पान की फैक्ट्री खुलवा देंगे। पान की फैक्ट्री? पान की फैक्ट्री कैसे लग सकती है, पान के तो खेत होते हैं। शायद लग भी जाए, जिसके पास नोटों की फैक्ट्री हो वो किसी भी चीज की फैक्ट्री लगवा सकता है, शायद कत्ते की भी लगवा दे। सुत्ती मिष्ठान भंडार। अरे नहीं नहीं नहीं, सुत्ती लाल मिष्ठान भंडार। अरे नहीं नहीं नहीं, सेठ सुत्ती लाल मिष्ठान भंडार। अगर बीजी पांडे इस शादी के लिए मान जाए तो पूरे लापतागंज का विकास हो जाएगा। और हमारी दुकान की जगह कपड़ों का शोरूम। Thank you.
किसी भी तरह ये शादी हो जानी चाहिए। हम शाम दाम दंड भेद सब लगा देंगे, लेकिन बीजी की शादी उस करोड़पति सेठ की बेटी से करवा के रहेंगे और इनाम में लाखों पाके रहेंगे। बीजी पांडे, अब हम तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा करके रहेंगे। अरे ये क्या, हमारे घर में अंधेरा हो गया? अरे मुकुंदी बाबू, क्या वापस आ गए? आ नहीं रहे, दफ्तर जा रहे हैं। शाम को कोई दफ्तर जाता है क्या चाचा? जाते हैं, कभी कभी लोग शाम को भी जाते हैं। हम तो आज तक नहीं गए। कुछ लोग नहीं भी जाते हैं मुकुंदी बाबू, लेकिन आप सुन रहे हैं, लापतागंज में विजय पांडे की शादी का मामला गहराता जा रहा है। हाँ हाँ, हमने भी आते आते सुना। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है लापतागंज के विकास में विजय पांडे को सुरीली के प्रेम का बलिदान कर देना चाहिए? प्रेम का विकास से क्या संबंध है चाचा? लैला मजनू श्री फरहाद अगर विकास के बारे में सोचते ना तो कभी प्रेम ना कर पाते। हमको तो लगता है कि लापतागंज के लोग अपने अपने स्वार्थ की रोटियां बीजी पांडे की शादी करवा के उस पे सेकना चाहते हैं। नहीं सेक पाएंगे, नहीं सेक पाएंगे, रोटियां नहीं सेक पाएंगे। अरे क्या हुआ, क्या भाग गए? वो करोड़पति सेठ भाग गए? चलो बहुत बढ़िया हुआ। अरे वो नहीं भागे हैं। अरे यार पहले तय कर लो कौन भागा और कौन नहीं भागा। अरे बीजी भैया भागे हैं, हमारे बीजी भैया। कहाँ भाग गया? हमको क्या पता कहाँ। तुझे नहीं पता तो किसे पता? उन्हीं को पता है, क्योंकि हमको बताकर नहीं भागे हैं। हाँ, एक चिट्ठी लिख के छोड़ गए। मुकुंदी बाबू लीजिए। लापतागंज वासियों, पापा कसम हमें पता है कि लापतागंज के विकास के नाम पर तुम लोग हमारी शादी उस सेठ की बेटी से करवा के मानोगे, लेकिन पापा कसम हम भी कम नहीं है बे। शादी तो तब करवाओगे जब हम हाथ आएंगे, इसीलिए हम जा रहे हैं लापतागंज से, समझे पीजी पांडे? मुकुंदी बाबू ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ कछुआ चाचा, ये वाकई बहुत गलत हुआ, हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा। देखो पीजी पांडे लापतागंज से गायब है, ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक, हमें ये सब मिलकर रोकना पड़ेगा। अगर हमने बीजी पांडे की शादी इस करोड़पति सेठ की बेटी से नहीं कराई तो हमारा नाम भी छोटू नहीं, हमारा नाम भी एलिजाबेथ यादव नहीं, और हमारा नाम भी चौरसिया नहीं, तो हमारा नाम भी सुत्ती लाल नहीं, तो बस अब हम शादी करा के रहेंगे। या! अरे ये सब कहां चले गए, लगता है शादी कराने चले गए। अब अगर इस करोड़पति सेठ की विदाई लापतागंज से ना करवाई तो हमारा नाम भी मुकुंदी लाल गुप्ता नहीं।